भाखरवड़ी इतनी टेस्टी बनाने वाले हैं ना कि बाहर की आप सब लोग भूल जाओगे और हर बार घर पे बनाओगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे, एक छोटी कढ़ाई रख देंगे उसके ऊपर और अब इसके अंदर हमें बेसन ऐड करना है। तो हम करीब यहाँ पे 3 चम्मच जितना बेसन ले रहे हैं और इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है। जब तक कि इसके अंदर से एक मस्त वाली अरोमा आएगी तब तक हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है। और इसे रोस्ट होने में ज़्यादा देर नहीं लगती, बस 3 से 4 मिनट लगता है। तो चलाते रहिएगा कंटिन्यूसली। ये हमारा बेसन रोस्ट हो चुका है, अब इसे साइड में रख देंगे और आगे की प्रोसेस हम शुरू करते हैं। अब एक पैन को फिर से गर्म करने के लिए रखेंगे और उसके अंदर हमने यहाँ पे 2 चम्मच जितने सफ़ेद तिल जो होते हैं ना वो लिए हैं। इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है जैसे हमने बेसन को रोस्ट किया ना, बस उसी तरह से। बस तिल को ना थोड़ा सा चलाते रहिएगा क्योंकि ये फिर फूटने लगते हैं। तिल को रोस्ट होने में ज़्यादा देर नहीं लगती, बस 2 ही मिनट लगेगी। ये देखिए तिल हमारे रोस्ट हो चुके हैं, अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे साइड पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। अभी हम भाखरवाड़ी का मसाला रेडी करते हैं, अंदर फिलिंग भरनी होती है ना वो रेडी कर रहे हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे कोपरे को हमने ग्रेट कर लिया है, वो ऐड कर देना है। अगर आपके पास नहीं है कोपरा तो आप बाज़ार से भी ला सकते हैं, हमने इसको घर पे ही ग्रेट किया है। और ये है 2 चम्मच जितना हमने पीनट्स जो होते हैं ना मूँगफली, उसको ग्राइंड कर दिया है। उसके ऊपर हमने जो तिल रोस्ट किए थे ना वो ऐड कर देने हैं। 2 चम्मच के करीब हमने यहाँ पे तिल लिए हैं और 2 चम्मच हमने मूंगफली क्रश की हुई ऐड की है। अब इसके ऊपर हम 1 चम्मच जितनी शक्कर ऐड करेंगे। तो ये जो शक्कर है ना, ये हम बड़ी वाली शक्कर ऐड कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि ये जो मसाला है उसके अंदर एक अच्छा सा क्रंच आएगा। जब हम भाखरवड़ी खाएंगे ना तो उसके अंदर एक मीठा क्रंच आता है, उसके लिए हमने यहाँ पे शक्कर ऐड की है। और साथ ही हम इसके अंदर नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। फिर इसके अंदर ऐड करना है हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ही ऐड करेंगे, लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, ये आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं लाल मिर्ची पाउडर। और फिर धनिया जीरा पाउडर है वो ऐड कर देना है, 2 चम्मच जितना ऐड कर देंगे। अभी इसके अंदर हम ऐड करेंगे गरम मसाला, गरम मसाला हमने 1 चम्मच लिया है। और साथ ही हम इसके अंदर पीसी हुई चीनी ऐड कर रहे हैं, ये इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये ना थोड़ी सी हम नींबू का रस डालेंगे उसके अंदर घुल जाएगी, तो स्वीटनेस के लिए ये वाली यूज़ करेंगे और क्रंच के लिए हम जो हमने चीनी डाली ना वो आएगा। ठीक है, आप लोग दोनों ही ऐड कीजिएगा, अच्छा लगेगा। और साथ में हम थोड़ी सी पिंच ऑफ हींग ऐड कर रहे हैं। अभी इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं लौंग और दालचीनी का पाउडर। तो हमने लौंग 3 नंग लिए थे और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का लिया था, वो भी ऐड कर देना है। अच्छे से कूट के पाउडर बना के ऐड कीजिएगा। अब इसके अंदर हम हरी मिर्ची की पेस्ट ऐड कर रहे हैं, ये तीखी वाली हरी मिर्च हमने ऐड की है। और अब इसके अंदर ना हम या तो अदरक ऐड करेंगे ज़्यादा मात्रा में या फिर लहसुन ऐड करेंगे। तो आपको जिसका भी टेस्ट ज़्यादा पसंद हो वो आप ज़्यादा क्वांटिटी में डाल। तो यहाँ पे अदरक का छोटा सा टुकड़ा लिया है, उसे हम कूट लेंगे अच्छे से, एकदम पेस्ट बना देनी है इसकी। तो हमने यहाँ पे 1/2 चम्मच है ना अदरक ऐड किया है, अदरक को अच्छे से कूट लिया है। अब जितना हमने अदरक का पेस्ट डाला उससे 1/2 चम्मच हम ऐड करेंगे यहाँ पे लहसुन का पेस्ट। तो लहसुन का ना एक बहुत ही अच्छा सा एरोमा आएगा हमारी भाखरवड़ी में से, ज़रूर ऐड कीजिएगा। चाहे कम ऐड कीजिए पर ऐड ज़रूर कीजिएगा। अभी इसके अंदर जो हमने बेसन रोस्ट किया था ना वो ऐड कर देना है। तो बेसन हमने करीब 3 चम्मच के आसपास लिया था, तो आप उतनी मात्रा में ले लीजिएगा। तो बेसन ऐड करने का मेन मोटिव ये है कि जब हम इसका स्टफिंग रेडी करेंगे और ये स्टफिंग को हम रोटी के ऊपर स्टफ करेंगे ना, तो ये एक अच्छी सी बाइंडिंग देगा हमारे स्टफिंग को और हमारी रोटी जो बनाएंगे उसके साथ अच्छे से बाइंड हो जाएगा, तो खुलेगा नहीं फिर। अब इसके अंदर हमें 2 चम्मच के करीब ऐड करना है नींबू का रस। तो यहाँ पर हमने स्टफिंग में आने वाली सारी चीज़ों को ऐड कर दिया है। अब इस स्टफिंग को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, सारा स्टफिंग अंदर घुल जाना चाहिए इस मिक्स करना है। हाथों से ही मिक्स करिएगा जिससे कि एकदम अच्छे से हम मिक्स कर पाए सारा मसाला, क्योंकि चम्मच से कभी कभी कैसा होता है कि कुछ मसाला ऐसे ही रह जाता है।
तो यहाँ पे हमारा स्टफिंग जो है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। बढ़िया स्टफिंग बनी है हमारी। आप भी जब स्टफिंग बनाएं तो अपने अनुसार इसके अंदर तीखा या नमक या खट्टा मीठा टेस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारा स्टफिंग तो बनकर रेडी हो चुका है और इसके अंदर आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। तो आप भी जब भी बनाइएगा ये सारे स्टफिंग की जो इंग्रेडिएंट्स है ज़रूर डालिएगा। अब हम स्टफिंग को स्टफ़ करने के लिए रोटी बनाने वाले हैं। तो रोटी हम जो बनाएंगे ना वो हम बेसन की बनाएंगे। तो इसका जो रोटी का जो डो बनाएंगे उसका मेन इंग्रेडिएंट है बेसन। बेसन हम यहाँ पर 3 कप ले रहे हैं और उसे छान के लीजिएगा जिससे कि कोई लम्ब्स ना आ जाए। तो 3 कप बेसन के अंदर हम 1/2 कप मैदा ऐड कर रहे हैं। मैदे से क्या होता है एक क्रिस्पीनेस आती है बहुत ही अच्छी वाली और बाइंडिंग भी बहुत अच्छी हमें इसी से मिल जाएगी। अभी इसके अंदर हम मसाले करेंगे। आटे को हमें अच्छे से गूंथना है तो इसके अंदर हम थोड़ा सा स्वाद अनुसार हम नमक ऐड करेंगे और अब मोइन के लिए हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं ऑयल। 3 चम्मच हमने यहाँ पे ऑयल ऐड किया है। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा करके पानी ऐड करेंगे क्योंकि एक साथ हम सारा नहीं डाल देंगे। बेसन का जो आटा है ना वो बहुत जल्दी पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और ज़्यादा ढीला हो जाएगा, इसलिए आराम से थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करिएगा। और इतने आटे से करीब हम 25 भाखरवड़ी रेडी कर देंगे। तो ये वाला जो आटा है इसे हमें ज़्यादा ढीला नहीं गूंथना है, इसे हम थोड़ा सा टाइट गूंथेंगे। जैसा पराठे का आटा गूंथते हैं ना बिल्कुल उस तरह से ये वाला आटा रेडी करेंगे हम। कि ये हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है और इस तरह से हमें इसको टाइट रखना है, ये ज़्यादा ढीला नहीं है। अभी हमने जो आटा प्रिपेयर किया डो लगाया ना उसका हम एक बड़ा सा रोटी बेल लेंगे। तो आटा लगाने में अगर मैं बताऊँ तो पानी जो है ना वो 1/2 ग्लास जितना यूज़ हुआ है, ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है। और अगर आपको ये बेलने में प्रॉब्लम हो रही हो, आपका आटा थोड़ा सा लूज़ हो गया हो, तो आप क्या करना, आप सूखा आटा जो होता है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं रोटी बेलने के लिए। तो ये देखिए हमने एक पतली सी रोटी यहाँ पे बेल ली है, ज़्यादा पतली नहीं है, हमने जो मीडियम साइज़ होता है ना, ना ज़्यादा पराठे वाली मोटी और ना ही रोटी जैसी एकदम पतली, इस तरह से मीडियम थिकनेस की रोटी बेल लेनी है। इसके ऊपर हमें थोड़ा सा पानी लगा लेना है और फिर हमने जो स्टफिंग रेडी किया ना वो भरेंगे जिससे कि स्टफिंग जो है ना वो अच्छे से बैठ जाएगा, चिपक जाएगा। अब इसके ऊपर स्टफिंग भर देंगे। इस तरह से हमें स्टफिंग को थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाना है और स्प्रेड करते जाना है। तो पूरे रोटी पे हमें इसको लगाना है। आप थोड़ा सा इसका जो आउटर रिम है उसे छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए ये स्टफिंग हमने अच्छे से इसको फैला लिया है और बने उतना प्रेस करके स्टफिंग फैलाइएगा। और अब इसे हमें एकदम टाइट रोल बना देना है इसका, जितना हो सके उतना टाइट बनाइएगा क्योंकि जब स्टफिंग हम फ्राई करें ना तब बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसलिए इसको टाइट रखना पड़ेगा। आराम से रोल करते जाइएगा और प्रेस करते जाइएगा तो बहुत ही अच्छे से हमारी भाखरवड़ी रेडी होगी। लास्ट में ये जो हमारी रिम है ना आटे की उसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा देंगे जिससे कि ये चिपक जाए अच्छे से और खुले नहीं फ्राई करते वक्त। तो आप भी ज़रूर लगा दीजिएगा और फिर इसको हम वापस से रोल कर देंगे, अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा। ये देखिए ये हमारा रोल बनकर रेडी हो चुका है। अब इसकी जो साइड्स है ना उससे भी हमें अंदर फोल्ड कर देना है, ये भी खुली नहीं रहनी चाहिए। तो थोड़ा सा पानी लगाइएगा और फिर इसकी सारी परत को अंदर फोल्ड कर देना है। ये देखिए दोनों तरफ से हमने इसे अंदर फोल्ड कर दिया है। अब हम इसके पीसेस करेंगे। तो आप 1 सेंटीमीटर के अनुसार इसके पीस कर लीजिएगा। अगर आप मोटी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, पर नॉर्मली जो साइज़ होता है वो इतना होता है। तो ये देखिए अंदर से हमारा कितना अच्छा सा स्टफिंग रेडी हो चुका है और इसकी सारी जो लेयर्स है ना वो भी बहुत ही अच्छे से विजिबल है, आप देख सकते हैं।
आपको ये थोड़ा सा ढीला लग रहा हो तो आप इस तरह से प्रेस कर सकते हैं। और ये हमारी भाखरवड़ी रेडी है, बस इसी तरह से बाकी ये सारी भाखरवड़ी बनाकर रेडी कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी सारी भाखरवड़ी जो है वो फोल्ड हो चुकी है, अंदर स्टफिंग भी अच्छे से हमने भर कर रोल बना दिए हैं और कट भी कर दिया है। आप देख सकते हैं इसकी सारी जो लेयर्स है वो बहुत ही अच्छे से दिख रही है। अब हम इसको आगे फ्राई करेंगे। तो आप लोग ये रेसिपी अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी नई नई रेसिपीज़ मिलती रहे। हमने यहाँ पे ऑयल गरम कर लिया है, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा चेक कर लेंगे। और ये जो हमने भाखरवड़ी बनाई है ना, इसको हम फ्राई करेंगे। पहले टेम्परेचर देख लीजिएगा, वरना अगर नहीं आया होगा ना, तेल गरम नहीं हुआ होगा तो ये तेल पी सकती है, इसलिए हम चेक करके फिर ऐड करेंगे। देखिएगा कि ये गरम हो चुका है कि नहीं। तो यही हमारा ऑयल जो है वो गरम हो चुका है, इसके अंदर हम भाखरवड़ी डाल देंगे फ्राई करने के लिए। तो ये देखिए, ये फ्राई होते टाइम इस तरह से ऊपर झाग बन जाएगा, पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये होता है भाखरवड़ी में। ये जो हमारी भाखरवड़ी है वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो रही है, इसके अंदर का मसाला जो है ना वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहा है और खुल भी नहीं रही है। तो आप लोग ये ट्रिक ज़रूर अपनाइएगा कि प्रेस करके बनाइएगा। और अगर आपकी भाखरवड़ी खुल रही है तो मैं आपको लास्ट में एक ट्रिक बताती हूँ कि आपकी भाखरवड़ी खुले भी ना और आपका ऑयल जो है वो भी ख़राब नहीं होगा, सारा मसाला भी बाहर नहीं आएगा। तो ट्रिक के लिए आगे तक बने रहिएगा। इसका जो परत है ना, आउटर परत जो है वो एकदम ही गोल्डन कलर का हो जाए तब तक हमें इसे फ्राई करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर जो परत है ना बाहर की, वो एकदम मस्त गोल्डन कलर की हो गई है। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं थोड़ी सी फूल भी गई है हमारी भाखरवड़ी, कितनी सुंदर बनी है ना। और आप ऑयल देख सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल भी खुली नहीं है भाखरवड़ी, और सुंदर बनकर रेडी हो गई है। और इसके अंदर हर एक लेयर अच्छे से दिख रहा है। सेम उसी तरह से हम सारी भाखरवड़ी को फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारा लास्ट बैच जो है भाखरवड़ी का, वो भी फ्राई हो चुका है। आप क्रिस्पीनेस जो है वो इसके आवाज़ से ही आपको पता चल सकती है कि ये कितना क्रिस्पी और टेस्टी बना होगा ना। तो आपके मुंह में भी ज़रूर पानी आया होगा, इस बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। ठीक है, ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनती है, ये देखिए। तो ये हमारी सारी भाखरवड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। तो अगर आपकी भाखरवड़ी जो है वो ऑयल में खुल रही है तो आप क्या कीजिएगा, एक चम्मच बेसन लीजिएगा और उसमें पानी डाल के इसका पतला सा घोल बनाकर रेडी कर दीजिएगा, और उसके अंदर डिप करके फिर फ्राई करोगे ना तो बिल्कुल नहीं खुलेगी। ये देखिए, हमारी तो बिना बेसन के अंदर डिप किए हुए ही बहुत ही सुंदर तरीके से बन चुकी है। आप देख सकते हैं सुंदर हमारी भाखरवड़ी बनी है ना। आप बनाइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा और फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। ये देखिए, एक पीस मैं आपको तोड़ के बता रही हूँ, है ना, एकदम मस्त क्रिस्पी बना। आप अंदर से भी इसके लेयर्स देख सकते हैं, एकदम विजिबल लेयर्स है ना। सॉफ्ट है अंदर से और बाहर से क्रिस्पी बना हुआ है।